प्रदेश में रैलियों का शोर बढ़ गया है। राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। करनाल पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बापू बेटे को सेट करने में लगा हुआ है और हरियाणा को अपसेट करने में। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि राहुल गांधी को जबरदस्ती मजबूरी में आकर हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। जनता सब देख रही है दलितों की बेटी का अपमान कांग्रेस कैसे कर रही है। जो इनकी सरकार 10 साल चलती रही, दलाल और दामाद का जलवा जलाल था। दलितों का अत्याचार था, तो क्या ये दलाल और दामाद का जलवा जलाल वापस लाने की बात करते हैं? अपने घर और जो इनके समय देश का दामाद था उनका घर भरने की बात करते हैं? आज एक बापू बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट कर रहा है। इतना अपसेट कर रहा है कि कांग्रेस की हालत तो ये हो गई कि राहुल गांधी जी को आके मजबूरी में जबरदस्ती हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। जनता सब देख रही है कि दलित की बेटी का अपमान कैसे किया है। इन्हीं हुड्डा जी की सरकार में मिर्चपुर की घटना भूले नहीं, 18 दलितों के परिवारों को आग लगा दी थी, पूरे घर जला दिए थे। कुछ दिनों के अंदर 19 बेटियों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, अत्याचार हुए। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घोटालों वाली पार्टी बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली में माँ बेटे की और हरियाणा में पिता पुत्र की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस। वहीं कुमारी शैलजा पर भी कहा कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा में फिर से बनेगी डबल इंजन की सरकार। पार्टी को चारों तरफ आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता और बहादुरगढ़ की जनता बनाएगी, बीजेपी को जिताएगी। बहरहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सबके अपने दावे और वादे हैं। जनता सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को परख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को जनता किस पर भरोसा जताती है और 8 अक्टूबर को सत्ता के सिंहासन पर कौन सी पार्टी को काबिज करती है। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।